उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दहशत गर्दों पर सख्त कार्रवाई कर भले ही अपराध पर अंकुश लगाया हो, लेकिन यूपी के आजमगढ़ की यह तस्वीर सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के एक मजबूर पिता की, जो अपने बीमार बेटे को ठेले पर लेकर इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद सिधारी के हाइडिल के पास के रहने वाले हरिश्चंद्र के बेटे को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कहाँ रहने वाले हैं आप? सिधारी हाइडिल चौराहा आगरे। क्या घटना थी? आप अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रहे थे, क्या हुआ था? बच्चा हमारा था, बुखार आकर गिर पड़ा था। हाँ, जब गिर गया तो दोनों पांव खून हो गया। हाँ, उससे वो बैठ नहीं पाता। तो हम अस्पताल में, कई अस्पताल में गए, हरदा में गए, सरकारी सदर में गए, सरोज में गए, विद्या में गए, खेतान में गए, मैंने कोई सुनवाई, आयुष्मान कार्ड लेके गए, कोई सुनवाई नहीं। आयुष्मान कार्ड दिखाए तब भी नहीं, नहीं, नहीं किए? नहीं। अच्छा, कौन मदद किया, कैसे कैसे मदद हुई आपको? आपसे जा रहे थे, हमको रेफर कर दिए कि जाओ बीएचयू में जाओ। तो मुझ लाइक तो है लेकिन बीएचयू में पहुँच पाएंगे। हमको साथ देखे ठेले पे जाते हुए माँ को लड़के की मार ली और लड़का भी था और हम भी, हम ठेला खींचे रहे थे। साहब हमको ठेला रुकवा करके हमारी हालत से व्यवस्था पूछी, हम साहब को सब बताए। तो आज कौन मदद किया है, किस किसके हॉस्पिटल में आए कौन? आज हम दीन बाबू के अस्पताल में आए। वहाँ उन्होंने कहा बाबू हम आपका पूरी सेवा करेंगे, तन मन धन से जैसे भी होगा आपकी सेवा हम पूरी करेंगे। पैसा इलाज फ्री में कराएंगे? पैसा इलाज कुछ नहीं लगेगा।